मंदिर भी चमत्कारी है। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दरबार में मन्नत मांगने आते और कहते हैं कि इस दरबार से कोई भी भक्त अब तक खाली हाथ नहीं लौटता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर का इतिहास पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान में जो मंदिर है हिंगलाज माता शक्तिपीठ उससे जुड़ा हुआ है। ये है बाड़मेर जिला मुख्यालय से महज 55 किलोमीटर दूर वाकल माता मंदिर। कहते हैं वाकल माता का चमत्कार ऐसा है कि भक्त केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर से माता के दरबार में दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में दर्शन के बाद कोई भी भक्त खाली झोली नहीं जाता, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता के इस मंदिर की स्थापना की कहानी भी बेहद अनूठी है। बताया जाता है कि 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने राक्षसों का नाश करने के लिए माँ से प्रार्थना की थी। राजा विक्रमादित्य से हिंगलाज माता ने कहा था कि अगर वो पीछे मुड़कर देखेगा तो ये शक्तिपीठ वहीं पर स्थापित हो जाएगी। राजा विक्रमादित्य विरात्रा की पहाड़ियों पर रात्रि विश्राम करते हैं, सुबह पीछे मुड़कर पश्चिम दिशा में देख लेते हैं, उसके बाद माता की प्रतिमा वहीं स्थापित हो जाती है। जब पाकिस्तान में इंग्लाज माम ने मन्नत मांगी, ये माँ मेरी युद्ध में विजय हो गई तो मैं वहाँ उज्जैन ले चलूंगा, तो युद्ध में विजय होने पर इंग्लाज धाम गया, माँ से कहा वहाँ चलो तो मैं तो नहीं चलूंगा, मेरी प्रतिमा मकल माँ आपको दे रहा हूँ, आप इसमें जहाँ भी पीछे मुड़ोगे तो मैं आगे नहीं चलूंगा। राजा महाराज या तो पहाड़ की चोटियों पर रुकते थे या फिर टीलों पर। सुबह को दिशा भ्रमित हो गया, उसने पश्चिम कर देख लिया तो आवाज हुई एक, विक्रमा राजा तू वादा भूल गया, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी, तेरा नाम जरूर अमर रहेगा, वीर परस रात विरात्रा नाम पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का इतिहास पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हिंगलाज शक्तिपीठ से भी जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान के पास बेला क्षेत्र में मकरान पर्वतमाला की गुफा में हिंगलाज माँ के नाम से विख्यात है। भारत में हिंगलाज माता की काफी मान्यता रही है, इसी आदि शक्ति पीठ से विरात्रा माता का जुड़ाव रहा है। देवी की गर्दन टेढ़ी होने की वजह से इनका नाम वांकल माता विरात्रा पड़ गया। माता जी का शरीर जो है क्रूर से उनकी भ्रुकुटी तन गई और जब उसको तलवार से उसका वध किया तो उसका शरीर खींच करके टेढ़ा हो गया और जो उनकी भ्रुकुटी थी उतनी थी, इसलिए उसको वक्र बोल। माँ का इतना चमत्कार है कि माँ के भक्त दूर दूर से माँ के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे ही एक भक्तों की टोली कोटा से आई है। कोटा में रहने वाली रजनी बताती हैं कि जब वो पैदा हुई थी तब से इस मंदिर में आ रही हैं और आज दिन तक वो जो भी माँ से मन्नत मांगती हैं माँ ने उसे पूरा किया है। मेरी हर मनोकामना पूरी होती है और सबका अपने अपने का रहता है, कोई अपना चमत्कार बताते ही नहीं है, तो वो वाली बात है कि सबके अपनी फीलिंग जुड़ी हुई है, सबके अपने चमत्कार है। हम लोग पूरी बस भर के आए हैं कोटा से, 50 लोग आए और कई जगह से बसें जाती है, सादड़ी से, उदयपुर से, जयपुर से, सब जगह से बसें आती है। इस टाइम पे ज्यादा आते हैं नवरात्रा में, वैसे तो आते रहते हैं। आज भी जो लोग पाकिस्तान में बलूचिस्तान हिंगलाज माता मंदिर नहीं जा पाते हैं वो भक्त अपनी मनोकामना के साथ ही इस मंदिर में पहुंचते हैं। माँ अपने बेटों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती है। माँ के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर।